पटना सिटी के चौक शिकारपुर स्थित आरपीएम कॉलेज में दीनबंधु फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मेयर सीता साहू ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर फाउंडेशन द्वारा 200 बच्चों को सैनिटरी पैड का वितरण किया गया और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी गई। मेयर सीता साहू ने कहा कि बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी कम होने के कारण किसी भी तरह की शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को लेकर मन में गलत अवधारणा बैठा लेती हैं, जिसके कारण वह मानसिक तौर पर बीमार होती चली जाती हैं। बेड का दरअसल अभी जिस प्रकार से आरपीएम कॉलेज के प्राचार्य महोदय से बात हुई है, तो हमने उनको इस विषय से अवगत भी कराया है कि आने वाले दिनों में पैड्स की जो क्वांटिटी है 250 से 300 की क्वांटिटी प्रत्येक महीने जो है इन्हें मुहैया कराई जाएगी कॉलेज प्रबंधक को, और मशीन को लेकर के बात हुई है मैडम से, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। और जहां तक बात रही मेंस्ट्रुएशन से संबंधित, तो मैं इसकी ज्यादा बातों को नहीं रख सकता हूं, बट हां ये कह सकता हूं कि महिलाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने आप को चीजों को सही तरीके से अपने आप को संभाले और जो गलत चीजें हैं समाज में उसको नकारें, है ना मैम। आज दीनबंधु सुरुचि फाउंडेशन के द्वारा आरपीएम कॉलेज में सैनिटरी पैड का वितरण किया गया है, बच्चियों में जागरूकता फैलाना भी जरूरी है, क्या इस पे क्या कहेंगे आप? पटना की मेयर है और इस पे और भी कई स्कूल है ऐसे जहाँ ये सेवा अभी तक मुहैया नहीं, तो क्या पटना नगर निगम के द्वारा भी ये पहल की जा सकती है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये शुरू हुआ है और ये दीनबंधु फाउंडेशन की तरफ से हुआ है, और ये सात्विक जी है जो इनके वितरण कर रहे हैं। ये बच्चियों के स्वास्थ्य के अभियान को देखते हुए किया जा रहा है, बच्चों के इन्फेक्शन ना हो इसके लिए ये सब को वितरण कर रहे हैं। मैं आग्रह इनसे क्योंकि हर महीने 200-400 दीजिए पैड दीजिए कि बच्चों के लोगों को मिले फ्री में यहाँ पर उपलब्ध हो, ये वे बोले हैं कि मैं इनको दूँ यहाँ पर।